हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। मैं आप सभी साथियों के साथ एक बार फिर से बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे साथियों, जैसा बच्चों ने बोला कि सर रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट का कुछ अपडेट नहीं है, न्यू वैकेंसी और आगे अभी क्या करना है, मतलब ठीक है ना, अभी क्या स्टेप सही होगा, इस समय पर क्या करना जरूरी है, ठीक है ना, वो मैं आज बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, बट गाइस प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, और जिनको पसंद आता है वो देखिएगा और जिनको नहीं आता है आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो प्यारे साथियों, आपको सबको पता है जितनी चीज़ें डिले हुई हैं रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट, ठीक है ना, और नई वैकेंसी का बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, मतलब जितना बच्चों के मन में डिफेंस के प्रति, सच बोलूं तो यार, मतलब सच बोल रहा हूं, वीडियो वाली बात नहीं है, बहुत गलत हुआ है और हुआ हो रहा है उन बच्चों का जिनका सपना ही केवल सर एक वर्दी या नीली वर्दी है, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स की और नेवी की, ठीक है ना। प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात जो एयरफोर्स के लिए, ठीक है ना, जो बच्चों का जितना विश्वास होता है ना वो कम्प्लीटली, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पूरी तरह से उठ चुका है, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा आपको कि ये एयरफोर्स की गलती है या किसकी गलती है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आज हम यहाँ टॉपिक पर बात करेंगे कि एज लिमिट का क्या इशू है सर, तैयारी करना छोड़ दिया जाए कि करनी चाहिए आगे, सर जी कितने परसेंट कितने नंबर वाले एक्स और वाई ग्रुप में बिल्कुल सेफ हैं, वो फेस सेकंड की तैयारी करें कि नहीं करें, और आगे और भी जो वैकेंसीज हैं सर उसमें करना चाहिए, और जो एक्सपायर्ड हैं, मतलब सर जो आउटडेटेड एज लिमिट जो है उनकी ऊपर जा चुकी है, ओवरेज हो चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए, और चीज़ें जनवरी में क्लियर होंगी कि नहीं होंगी। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं इसका बात कर लेता हूं कि क्या करना चाहिए, रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट, ठीक है ना। आपने मुझे मैसेज किया कि सर जी आंदोलन करिएगा, आप साथ दीजिएगा, फलाना ढिकाना जो भी चैनल है उनका। प्यारे साथियों, मैं वैसे मैं रेडी हूं, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है, बहुत पहले भी बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है, डिजिटल आंदोलन, ठीक है ना, डिजिटल चीज़ें चल चुकी हैं पहले भी, 5-5 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं, उनका कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना, आपने देख लिया होगा। और ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, उसका कुछ आगे चीज़ें कैसे होंगी, टाइम पर ही होनी है, ठीक है ना, उसका कुछ निकलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा आप। वो वाले बच्चे सर के एज लिमिट का क्राइटेरिया ये बता दीजिए कि तैयारी करना छोड़ दिया जाए कि नहीं छोड़ा जाए, ध्यान से सुनना। जनवरी 2002, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनवरी 2002 से पहले वाले बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले है, प्यारे साथियों आपको बुरा लगेगा बट आप कोई चांस नहीं है, ठीक है ना, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ। और बहुत सारे लोग एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं कि हाँ मिलेगा, नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। जनवरी 2002 के बाद के जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल जारी रखिएगा। जनवरी 2002 के बाद वाले बच्चे अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं पूरी एनर्जी के साथ, ओके, क्योंकि जब डेट ऑफ बर्थ यदि क्लियर हुआ तो उसके एग्जैक्ट एक महीने बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर 2 महीने केवल आपको टेस्ट के लिए मिलेंगे, और फिर आप केवल ऐसे ही निकाल देते हो, आप कहते हो सर अब क्या हुआ, अब मेरे पास कितने चांस हैं, ये मत देखिएगा चांस कितने हैं या जनवरी 2002 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है, आप फुली सिक्योर्ड हैं, मतलब आप कोई डाउट नहीं है, अभी आप तैयारी बिल्कुल कंसिस्टेंटली करिएगा। और जो पहले वाले हैं प्यारे बच्चे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, कोई घुमावदार बातें नहीं, सर जी अब नहीं मिलेगा चांस, बहुत लोग लाइन में बैठे हुए हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता डिफेंस फोर्सेस को इससे, ठीक है ना, वो इसके लिए नेगोशिएट नहीं कर सकती, जैसा कि पहले ना नेवी ने किया है, आपने देख लिया होगा भी, ठीक है ना, और ना आगे होने वाला है। जो स्टूडेंट 18 प्लस हैं और जो फुली सिक्योर्ड मैंने कहा नहीं है, ठीक है ना, जनवरी 2002 से पहले वाले बच्चे, भाई आप सभी के लिए बेस्ट वैकेंसी, यूपी पुलिस 26,000 प्लस वैकेंसी है भाई, अब बैठने का समय नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ वीडियो वाली बात नहीं है, मैं सच बता दूँ, तुम जो सोच रहे हो यार मन में से निकालो, जैसा हम चाहते हैं वैसा जिंदगी में ना कभी हुआ है और ना होता है, आपको पता होगा, समझ रहे हो कि नहीं, 26,000 प्लस वैकेंसी है, चाहे आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं है, ये बहाना मत बनाइएगा
कि सर मैंने तो भाई ग्रुप आज तक छूके भी नहीं देगा, मैं कैसे तैयारी करूं। भैया करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, नहीं करना पड़ेगा और कोई ऑप्शंस नहीं है। यदि आप ओवरेज हो चुके हैं एयरफोर्स से तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है आपके लिए कोई नहीं है जो 18 प्लस बच्चे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, मैं सच बता रहा हूं, इतना टफ नहीं है। 26,000 प्लस वेकेंसी हैं, थोड़े सीरियसली पढ़ लोगे। आपने देखा होगा आपके गांव से, आपके आस पड़ोस से हर भर्ती में 15 से 20 सेलेक्ट हो जाते हैं और ज्वाइनिंग भी कर ली होगी, ठीक है ना। 30,000 से 35,000 रुपए की सैलरी है, कुछ बुरा नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा बुरा लगेगा, वो दिमाग में से अब निकाल दो यार। नहीं सर जाऊंगा तो एयरफोर्स में ही, और नहीं तो सर कुछ नहीं बेटा, छरी काटनी पड़ेगी, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बाद में फिर ये सब रियलाइज होगा कि यार एक इमैच्योरिटी में, मतलब एक अनभिज्ञता में, एक जुनून और जोश में बस हमने क्या है और कोई ऑप्शन देखा ही नहीं, हम लगे रहे इसके लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी तैयारी छोड़ दीजिए, एक्स ग्रुप की आप करते रहिए, बट घाटा क्या हो रहा है मुझे बताइए। और एज रिलैक्सेशन फिर मैं बात कर लेता हूँ, January 2002, मतलब सर जी उससे पहले वाले बिल्कुल मुश्किल हैं, क्लियर सी बात है, नई चांस मिलने वाला है। आप मन की संतुष्टि के लिए, बहुत सारे लोग आपसे बोल भी देंगे, कुछ लोगों ने बच्चों के लिए, भाई बच्चे बुरा ना लगे चलिए बोल दीजिए, बट रियलिटी ये है कि नहीं मिली है। नेवी ने फरवरी 2002 थी पिछली डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, फिर भी कोरोना था, ठीक है ना। फोर्सेस में नेगोशिएट कर भी नहीं सकते, उनके सामने भी ये भी मजबूरी है कि मतलब ही नहीं है, उन्हें क्वालिटी चाहिए, उन्हें एक्टिवनेस चाहिए, और एक्टिवनेस का मतलब समझ रहे हो ना, उन्हें नए बंदे चाहिए। नॉन टेक्निकल की तैयारी करना इस टाइम इसलिए भी जरूरी होता है, इसलिए नहीं कह रहा केवल यूपी पुलिस के लिए। अरे भाई आप बाई ग्रुप का भी दे पाओगे अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिला, यूपीपी का तो दे ही पाओगे, और सर कोस्ट गार्ड का भी दे पाओगे, ठीक है ना, डीवी और जीडी में। तो यहाँ जीडी में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आ रहा है, तो बुराई क्या है मुझे बताइए। नॉन टेक्निकल की तैयारी करने में कोई भी बुराई बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर डिफेंस गुरुजी सर बता रहे हैं आरटीआई में क्या बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है। जो नोटिफिकेशन में आया था आपके कि ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एंड अनप्रेसिडेंटेड रीजंस द रिजल्ट एंड एनरोलमेंट लिस्ट मे बी डिलेड एंड प्लीज यू हैव टू चेक रेगुलरली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एयरफोर्स CASB.NIC.IN, और यही तो पहले ही बोला गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला गया। जो बच्चे झारखंड के बच्चे ने डिफेंस गुरुजी ने बताया, जो मैं आप बता चुके होंगे, देख चुके होंगे, कुछ बच्चों के कमेंट थे इसलिए मैंने यहाँ ये बता दिया है कि कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है ना, ना कोई रेस्पोंड किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी बात मैं क्लियरली बता दूं, देखो बुरा मत मानिएगा, यहाँ एयरफोर्स की कोई गलती नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या है, डिसीजन है, ये मंत्रालय का डिसीजन है भाई। तुम एयरफोर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, तुम ये सोचोगे एयरफोर्स में कॉल करके तुम सोचोगे नहीं सर यहाँ उनका तो सब रेडी है, पहले कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, 20 से 22 दिन में रिजल्ट आता था, सेम टाइम पर हर चीज होती थी डिफेंस की, ये बहुत अच्छी बात थी पहले। तो भाई सबसे बेस्ट चीज इसमें तुम्हें ये समझना होगा कि CASB की गलती नहीं है, एयरफोर्स की गलती नहीं है, यहाँ तो भाई ऊपर से ऑर्डर है। और ये बिल्कुल क्लियर सब चीजें मैंने पहले भी बताई हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ टाइम लगेगा बहुत बनाने में, सब कुछ रेडी है, जिस दिन ऑर्डर आएगा उसके अगले दिन रिजल्ट और एनरोलमेंट कन्फर्म है। कुछ लोग यहीं पे एक बात और कह रहे थे कि सर रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट कैंसिल हो रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो यार, ये ऐसा कभी ना हो सकता है और ना ही कभी हुआ है। ये एनरोलमेंट वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, ज्वाइनिंग 2 से 3 महीने डिले हो सकती है, समझ रहा हूं मैं आगे भी, लेकिन आप लोग सिक्योर हैं, 21 के प्लस भी हो गए, कोई टेंशन नहीं, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने सारी जो ए जो फुलफिल क्राइटेरिया था, सॉरी जो ए आपने जो जितना भी क्राइटेरिया था सिलेक्शन का वो आपने फुलफिल किया है, तो आपकी क्या गलती है, आप टाइम पर सेलेक्ट हुए हैं। तो जो एनरोलमेंट लिस्ट वाले हैं वो बिल्कुल परेशान मत होइए भाई। दूसरी बात सर, शॉकिंग न्यूज मतलब रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट क्या डिले है कि जनवरी में आएगी, अभी बात करने वाला हूं, प्लीज थोड़ी देर रुकिए बस, ठीक है ना, क्लियरली बताऊंगा। इस टाइम बहुत जरूरी है, 5 से 6 महीने बिगड़ चुके हैं, केवल रोने धोने से काम नहीं चलेगा, यहाँ किसी और के सहारे जिंदगी नहीं कटने वाली है। प्लीज गाइस प्रैक्टिस क्लास इस टाइम बहुत जरूरी है, मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास अभी टाइम है और जो पिछले 5 महीने से वो घर बैठे हैं, भाई अब पढ़ना शुरू करिए। घर का मतलब जो अभी इसी भरोसे बैठे हैं कि यार देखा जाएगा, ठीक है ना, देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
आपको क्या करना है, प्रैक्टिस का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, प्रैक्टिस क्लास का मतलब मैं कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिस पेपर लगाते रहिए हर सब्जेक्ट के, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या फिर वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, क्योंकि आपने कंसेप्ट बहुत पहले पढ़ चुके हो, उससे अब कुछ नहीं मिलने वाला, प्रैक्टिस क्लास से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ अपना, मैं कंसिस्टेंटली 250 पेपर कराऊंगा, कंसिस्टेंटली जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, एयरफोर्स के लिए इंग्लिश के लिए करा रहा हूँ अभी, बाकी सब कुछ लेके आऊँगा, एयरफोर्स के फेस सेकंड के लिए मैं पेपर वो भी करा रहा हूँ सर, टॉपिक्स की सीरीज चल रही है और पर डे पैसेज करा रहा हूँ वो जरूरी है सर। कितने होंगे वो 250 से लगातार चलेंगे जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आ जाएंगी और एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिस क्लास इस टाइम जरूरी हो भाई इसलिए, और न्यू स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं वो बहुत अफवाहों में है, कन्फ्यूज हैं कि सर अब तैयारी करूं कि नहीं वैकेंसी। अरे भाई आप र्यूमर्स अफवाहों पे मत जाइएगा, वैकेंसी 100% आएंगी। अभी आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, फिर आपको 2 महीने मिलेंगे, फिर जब एग्जाम भी हो जाएगा फिर कहोगे सर अब कितने चांस हैं, पिछले 3 साल में कुछ हुआ क्या, 2 साल में ऐसे ही निकल गया ना कोरोना में टाइम, इसी तरह ये भी निकल जाएगा। तो भाई यदि एक मौका भी मिला है, ये मत देखिए कि मौके कितने होंगे, यदि एक मौका भी है जी जान लगा देनी है, जी जान, मौके को छोड़ना नहीं है, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th किया है या जिनके पास 4 से 5 मौके हैं, वो अभी बहुत खुश हैं कि सर अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। ये टाइम को छोड़ दीजिए, पहले जिनके पास 5 मौके थे उन्हें मुश्किल से 2 मौके भी नहीं मिल पाए, कोरोना ने ऐसी सिचुएशन कर दी है और अभी भी आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो वो स्टूडेंट अफवाहों पे ना जाएं, वैकेंसी 100% आएंगी, और ये भी क्लियर है मैं खुल के बोल रहा हूँ बल्क में आएंगी, मतलब बहुत वैकेंसीज हैं, पिछले 3 साल में जो सिचुएशन रही है भर्ती बहुत करनी है, 3 सेंटर्स हैं, नए सेंटर भी बनाए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, इसका मतलब ये टेंशन मत लीजिए कि वैकेंसी 7,000+ हैं, पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। और यदि वैकेंसी आए तो टाइम नहीं मिलेगा प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल सही है, तुम्हें पता है ना 2 महीने मिलते हैं, अभी तुम इस भरोसे बैठे हो कि वैकेंसी नहीं आई है, फिर जब वैकेंसी आएंगी फिर तुम कहोगे सर ठीक है अब तैयारी कर लेता हूँ, तुमसे पहले वाले जो धुरंधर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक चांस भी मिला तो वो धुआं सा उड़ा देंगे। नए बच्चे केवल ये देखते रह जाएंगे सर कट ऑफ कितनी थी 40, मेरे कितने हैं 24, समझ में आया कि नहीं, तो फिर तुम अगली वैकेंसी में फिर पूछना सर मेरे पास कितने अटेम्प्ट हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। यहां अब टाइम वेस्ट करने का नहीं है भाई, 5 महीने 4 महीने या जो भी बैठे हुए हैं तैयारी करना शुरू करिए। कुछ लोग एयरफोर्स को ब्लेम कर रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया भाई एयरफोर्स के हाथ में नहीं है ये चीज़, उनके हैंड में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऊपर से जो भी हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस हो, टूर ऑफ ड्यूटी हो, जो भी हो, लेकिन उसमें बदलाव की वजह से जब वहाँ से डिसीजन नहीं आएगा, जब हेड जो डिपार्टमेंट है वहाँ से डिसीजन नहीं होगा तो बेचारा नीचे वाला क्या करेगा। एयरफोर्स ने पहले कभी नहीं किया है, यदि उसे कल ऑर्डर दे दिया जाए वो परसों रिलीज कर देगा, सब कुछ रेडी है, टोटल चीजें रेडी हैं, रिजल्ट भी रेडी है, एनरोलमेंट लिस्ट भी रेडी है और बाकी सब कुछ रेडी है, एयरफोर्स के फेज सेकंड के लिए पूरी तैयारी है, ठीक है ना। सर जी एमओडी का ऑर्डर जब तक नहीं होगा कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं उनकी डाउट क्लियर कर देता हूं जो ये कह रहे हैं कि सर मैं फंसा हुआ हूं, मैंने 12 से 18 जुलाई वाला एग्जाम भी दिया है, अब मैं क्या करूं, नई वैकेंसी की तैयारी करूं कि फेज सेकंड की तैयारी करूं। ध्यान से सुन लो, जिनके भाई ग्रुप में 33 से 34 मार्क्स बन रहे हैं लेकिन ऐसे बन नहीं रहे, कंफर्म बात कर रहा हूं मैं, एक होता है मार्क्स बन रहे हैं सर 40 करके आया हूं, 40 का करके आया हूं सर जी 30 तो आ ही जाएंगे, उनका कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। जिनके कंफर्म नेगेटिव मार्किंग को हटा के 33 से 34 मार्क्स बन रहे हैं 100% वो लोग जीडी और साइको की तैयारी पूरे दम से करिए, इतना आसान नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं तुम जो फेस सेकंड को हल्के में ले रहे हो ना कि बस सर आ जाऊंगा 10 दिन में रट्टा मार के और बोल के बस सेलेक्ट, उससे बड़ा दुख नहीं होगा जब तुम रिटर्न निकालने के बाद और फेस सेकंड में निकले इतना टाइम मिलने के बावजूद भी बेटा उसका रिग्रेट भी नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं, उसका कोई रिग्रेट भी नहीं होगा, समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। और जिनके एक्स ग्रुप में 38 से 40 बन रहे हैं वो अपने पूरे दम से फेस सेकंड की तैयारी करना शुरू करिए, ये मत सोचो कि वो दोस्त नहीं कर रहा इसलिए सर मैं भी नहीं करूंगा, समझ रहे हो कि नहीं। हर एक की कैपेसिटी, हर एक के ग्रेस्पिंग पावर, सबका सबको अलग अलग होता है।
जो कंसिस्टेंटली आज मेहनत कर रहा है, जिसने 50 टॉपिक कर लिए हैं, 70 टॉपिक कर लिए हैं, मैं 17 टॉपिक करा चुका हूं और कंसिस्टेंटली मैं वीडियो आगे 15 तारीख से फिर से पर डे 2 टॉपिक कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे साथियों, उन सबको कर लीजिए, यही टाइम है जब तुम कर पाओगे। एयरफोर्स में केवल 12 से लेके और 25 दिन से ज्यादा नहीं मिलने वाले, मिनिमम 12 से 15 दिन, इससे कम नहीं होगा, इतने मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लास्ट 1 महीना मिलेगा। आप देख लीजिए, नोट डाउन करिए, केवल लास्ट 1 महीने से ज्यादा मिल जाए तो आप मुझसे कहना। तो जीडी साइको की तैयारी है, एक भाई ग्रुप वाले जिनका 33-34 कन्फर्म और जिनका 38-40 है एक्स ग्रुप में कन्फर्म, बेटा फेस सेकेंड की तैयारी करना शुरू करिए भाई, बिल्कुल। और सर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें वैकेंसी लगभग कितनी होंगी, 6500 से 7000। अरे 6500 भी नहीं, 7000 प्लस वैकेंसी है, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, ठीक है ना। बल्क में वैकेंसी है 12 से 18 जुलाई वाले जिन्होंने एग्जाम दिया है। और सर जी न्यू वैकेंसी वाले बच्चे क्या सर एक चल रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट आने के एग्जैक्ट 1 महीने बाद भैया नई वैकेंसी रिलीज हो जाएंगे। रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट आने के बाद में सर जी नई वैकेंसी रिलीज हो जाएंगी एग्जैक्ट 1 महीने बाद में, तो तुम किस भरोसे बैठे हुए भाई। चलो उनका बैठना समझ में आता है, एनरोलमेंट वालों का, कि हमारे पास कुछ तो है। एनरोलमेंट के पास वाले बच्चे परेशान ना हो, मैं उन्हें ये मान रहा हूं उनके पास कुछ तो है, चलो वेट कर रहे हैं, डिले हुआ लेकिन डायरेक्ट ज्वाइनिंग तो होगी। ये नए वैकेंसी वाले किसका वेट कर रहे हैं, पूरी ताकत से तैयारी शुरू कर दीजिएगा अभी, 2 महीने उधर 4 महीने में ही तैयारी हो पाएगी जबरदस्त तरीके से। यदि बेटा अभी इसी भरोसे बैठे रहे कि मैं सीधा वैकेंसी फॉर्म भरने के तुरंत बाद डेट आने के बाद एग्जाम की तब तैयारी करूंगा, बाजे बजेंगे सीधे, ठीक है ना, कुछ नहीं होना है, बस डमरू बजेगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, न्यू वैकेंसी वाले वेट मत करिए, जिनके पास सब कुछ है, मौका भी है, ये फिर मैं कह रहा हूं वैकेंसीज आएंगी टाइम पर और ज्यादा ही आएंगी, ठीक है ना। इनरोलमेंट वाले बच्चे भाई थोड़ा तुमसे ये कहना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ कोई भी 1 साल डिले हो जाना चीज़ें कितना डिफिकल्ट है, बट थोड़ा आप इस चीज़ के साथ पॉजिटिव रह सकते हैं कि आपका एटलीस्ट नाम तो सिक्योर है, आपकी एटलीस्ट ज्वाइनिंग तो सिक्योर है भाई, ठीक है ना। तो आप इस उम्मीद के साथ, प्लीज़ भाई परेशानी तो है बट आपको जीना ही पड़ेगा इस उम्मीद के साथ में, और ये गलत भी नहीं है। उन लोगों जिनका कुछ नहीं है, रिजल्ट भी दिया था रिजल्ट नहीं आया, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो दो लोग जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, मतलब सर 12 से 18 जुलाई वाला और न्यू वैकेंसी वाले, उनके लिए स्पेशली समझना पड़ेगा कि अब जो 5 से 6 महीने बिगड़ गया, तुम जो बहाना लेकर जो बैठे हो घर वालों से ये बोल रहे हो कि सर जगह नहीं आ रही मैं क्या पढ़ूं, मेरे बच्चे जगह बहुत है लेकिन थोड़ा सा अपने एरिया भी अब चेंज करने पड़ेंगे, बुरा मत समझिए, प्रैक्टिकल बात समझो। केवल ये बोलने से कुछ नहीं होगा कि फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, ठीक है ना, केवल गाना सुनने से और स्टेटस लगाने से बेटा कुछ होने वाला नहीं है। रियलिटी ये है कि जो वैकेंसी आ रही है, आप ओवरेज हो चुके हैं, तो यूपी पुलिस 26000 प्लस वैकेंसी चल रही है, पूरी ताकत लगा दीजिए। यदि आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो आप इसका यूपी पुलिस के बाद बाई ग्रुप भी दे पाओगे, एक्स ग्रुप भी तैयारी आप कंसिस्टेंटली रखना चाहते हैं उसे बने रहने दीजिए। अब करते हैं हम बात सबसे बड़े मुद्दे की कि सर रिजल्ट कितना डिले हो रहा है, रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट। तो मैं बहुत बड़ी यहां पर बात कहने जा रहा हूं प्यारे साथियों, थोड़ा सा बुरी लगेगी, शायद जनवरी में भी रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आने वाले, मैं पूरी जनवरी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जनवरी में भी रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आने वाले हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है ना, और मैं ये पूरे दम से बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जनवरी में तो प्यारे साथियों पूरी जनवरी जाने वाली है, ठीक है ना, फरवरी का हम लोग वेट करेंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों ने बोला था बहुत ज्यादा, मैं तभी ये बात बता रहा हूं क्लियरली आपको, बाकी का मैंने पहले आपको बता दिया था, ठीक है ना। और यदि आपकी कोई क्वेरी है इसके अलावा कि सर मेरी क्वेरी ये है, ठीक है ना, एक बार दोबारा से एज लिमिट बता देता हूं, जनवरी 2002 के बाद वाले पूरे मन से तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, उससे पहले वाले प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं। आप अपने एरिया चेंज करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, आप मूव ऑन करिए यहां से भाई, दूसरे एग्जाम्स को देखना होगा, नॉन टेक्निकल पढ़ना ही होगा। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, लेखपाल की वैकेंसी चल रही है जिन्होंने पेट दिया होगा, यही गलती बस तुम करते हो, जब इतना जुनून चढ़ा था तब उस टाइम पेट नहीं दिया, आज पेट दे लेते तो कम से कम अप्लाई तो कर पाते, बहुत सारे बच्चों ने पेट ही नहीं दे पाए भाई,
समय एक जैसा नहीं चलता भाई, किसी का याद रखिएगा आप इस बात को। अभी बुरा समय है, अच्छा समय आएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, जिनको मौके नहीं मिले, जिनको सर चांस नहीं मिले यार, उनके लिए बहुत बहुत ही ये गलत हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। फिर मैं कह दूं आपसे, आपको ये लगता होगा मन की संतुष्टि के लिए या कोई भी कुछ कहे, लेकिन आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। डिफेंस अपने हिसाब से करेगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज चली गई, आपको मौका नहीं मिला या मिला, ठीक है ना। और दूसरी बात, आंदोलन करने से अभी तक कुछ हुआ नहीं, आपने देख लिया है। मैं रेडी हूँ, आप कहें तो बताइए, मैं शुरू कर दूँ, मैं पूरा चल के शुरू कर देता हूँ ऑफलाइन बैचेज के साथ, लेकिन कुछ होगा नहीं उससे, ठीक है ना। तो इसलिए भाई बेस्ट तरीका ये है कि टाइम वेस्ट ना करके जो चीज़ें मैं जिसके लिए एलिजिबल हूँ, अभी कोस्ट गार्ड मौका है, जिनके पास कोस्ट गार्ड का मौका है यार, 2 से 3 महीने हैं, अभी 70 दिन का टाइम है यार, 70 दिन में तुम कुछ भी कर सकते हो, क्यों नहीं पूरी ताकत से पढ़ लेते हैं यार, 5 महीने 6 महीने से बैठे ही तो हैं, ठीक है ना। और बाकी कोई भी क्वेरीज हैं और जिनको वीडियोस पसंद आए हैं, मेरी बातें बुरी लगी हैं, भाई हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, ठीक है ना। जिनको अच्छा लगा बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बाकी आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, टेस्ट सीरीज प्रॉपर चल रही है चैनल पर, ये कंसिस्टेंटली चलेगी। मैं 10 से 12 पेपर करा चुका हूँ, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, चाहे हो जाए 250 पेपर, ये चलते रहेंगे, पैसे चलते रहेंगे। वोकैबुलरी की सीरीज आने वाली है और फेस सेकंड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं 17 करा चुका हूँ। 15 तारीख से पर डे फिर से एक सिंगल टॉपिक या 2 टॉपिक पर डे बेसिस पर आएंगे और कंप्लीट में 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा। अब ये बंद नहीं होगा 15 से, ठीक है ना। बाकी आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, तो सर मेरे अंदर कोई चीज कुछ बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मन रहे कि सर ये सर में पहली मूर्ति होगा, रियलिटी है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।